हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट इट जी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, जब भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज बाई करता है तो उसके फ्रिक्वेंट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें जिन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। जो सबसे पहले जो दो फ्रिक्वेंट क्वेश्चन होते हैं उनको हम सबसे पहले कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन होता है, हाउ कैन आई टेक द टेस्ट पेपर ऑन अ डेस्कटॉप, वेयर कैन आई फाइंड द टेस्ट पेपर। ये जो दो क्वेश्चन हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्रोम पर जाएंगे। क्रोम पर जाने के बाद में हम यहाँ लिखेंगे क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन। जब ये लिखेंगे तो सबसे हमें यहाँ पर एक वेबसाइट मिलेगी, वेब क्लास प्लस ऐप डॉट कॉम। इस वेबसाइट को आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो, वेब क्लास प्लस ऐप डॉट कॉम, और आप क्लास प्लस स्टूडेंट लॉगिन सर्च करेंगे तब भी आपको वेबसाइट मिल जाएगी। आप स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जब स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे फर्स्ट में आपसे ये ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगेगा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन कोड जो ZIL का है वो FBJDX है। इसको डालने के बाद में आपको यहाँ पर ये ग्रीन कलर का टिक आएगा। ग्रीन कलर का टिक आने के बाद में फिर आपको अपना मोबाइल नंबर या आपको अपनी ईमेल आईडी डालना है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद में आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद में आप अपने फ़ोन आपने अगर मैसेज से किया है तो आप अपने मैसेज को चेक करेंगे, अगर आपने अपने ईमेल से चेक किया है तो आप अपना ईमेल चेक करेंगे। ईमेल पे आपको OTP रिसीव हुआ होगा। आपको OTP रिसीव होने के बाद में आप OTP टाइप करेंगे और उसके बाद में अपने आपको वेरीफाई करेंगे। आप सक्सेसफुली वेरीफाई होने के बाद में तब जब आपने टेस्ट सीरीज बाय की होगी तो आपको जो है गेट इट ZIL की साइड से एक बैच असाइन हुई होगी। जो बैच है वो उसका नाम होगा टेस्ट सीरीज। अगर आपने 2025 की टेस्ट सीरीज बाई की है तो आपको टेस्ट सीरीज 2025 एंड टेस्ट सीरीज 2024 की भी बाई की है तो टेस्ट सीरीज 2024, ये दोनों बैच आपको शो होगी। आप जिस भी ईयर में बाई कर रहे हैं, अगर आप दोनों ईयर की बाई करेंगे तो आपको एक करंट ईयर एंड एक पास्ट ईयर की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। अगर आप सिंगल ईयर बाई करते हैं तो आपको टेस्ट सीरीज 2025 मिलेगी। आपको जब आप टेस्ट सीरीज बाई करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो स्टोर सेक्शन से जगह टेस्ट सीरीज बाई किए तो उनको वो कंटेंट में जाके ढूंढते हैं, तो आपको कंटेंट में कुछ नहीं मिलेगा, आपको बैचेस में आना है। सबसे पहले आपको बैचेस में आना है। बैचेस में आने के बाद में आपकी जो टेस्ट सीरीज की बैच है उस बैच को 2025 की, जैसे मैं बैच एक्सप्लोर करता हूँ तो टेस्ट सीरीज 2025 में हम जाएंगे और जो भी टेस्ट है वो हमको टेस्ट वाले जो यहाँ पर जो टेस्ट वाला ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें जितने भी टेस्ट अभी तक हो चुके हैं वो सारे टेस्ट विद इन आवर, जब भी आपको टेस्ट सीरीज बाय की आपको ये बैच विद इन आवर आपको मिल जाएगी। वर्किंग आवर जो रहते हैं वो 11 AM टू 8:30 PM रहते हैं। इस टाइम में आपको ये बैच विद इन आवर मिल जाएगी और बाकी अगर ऐसे टाइम पे आप बाई करते हैं जब वर्किंग आवर्स नहीं है तो आपको नेक्स्ट डे आपको जो भी मॉर्निंग में आपको ये बैच मिल जाएगी। बैच मिलने के बाद में आपको सारे टेस्ट ऐसे मिल जाएंगे, ये जो कि सारे टेस्ट आप में से जो आप टेस्ट देना चाहें वो टेस्ट आप दे सकते हैं। हमने यहाँ दो क्वेश्चन कवर कर लिए। उसके बाद में सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है कि व्हाट टाइम शुड आई अटेम्प्ट द टेस्ट। You should attempt the test after completing the syllabus for the test. Completing the syllabus means you have watched the lectures, prepared your notes, and solved at least the basic module provided by Get It ZIL. Before attempting a full test or round test, ensure you have solved also Get It ZIL advanced booklet. जिन भी स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज बाय की है उनके पास बुकलेट्स नहीं होगी, तो अगर वो चाहें तो स्टोर सेक्शन से बुकलेट्स भी बाई कर सकते हैं। बुकलेट्स बाय करने के बाद में आप अगर आपने टेस्ट सीरीज बाय की है तो आपको बुकलेट्स के ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। अब उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं गेट इट ZIL को। आप जब गेट इट ZIL को कांटेक्ट करेंगे तो आपको जो बेस्ट मॉड्यूल्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। उसके लिए आपको बहुत ही कम अमाउंट, जैसे बेसिकली अगर हम यहाँ देखें तो गेट्स CS 2024-25 का हार्ड कॉपी प्रैक्टिस मटेरियल है, ये अभी जो है 6384 रुपीस का है। उसके ऊपर जो भी एडिशनल टैक्सेस हैं वो आपको पे करने होते हैं। बट अगर आप टेस्ट सीरीज ऑलरेडी बाय कर चुके होते हैं तो आपको ये जो है 4500 रुपीस में मिल जाता है डिस्काउंट के साथ में, अराउंड 4500 रहेगा। और ये जो भी लेटेस्ट अमाउंट आपको जिस भी टाइम पे आप बाय करना चाहते हैं उस टाइम पे आप कॉल करें, इंक्वायरी करें और उनसे पूछ सकते हैं कि अभी जो अगर मैंने टेस्ट सीरीज बाय कर लिए तो मुझे कितने में मिलेगा। अगर आप गेट 2025 की, अगर जैसे करंट ईयर की जो टेस्ट सीरीज बाय कर चुके हैं तो आप
बाद वाले जो मतलब कि जो हमारा प्रीवियस ईयर गया है उसकी टेस्ट सीरीज आप भी डिस्काउंट में बाय कर सकते हैं। तो अगर आप ये भी करना चाहें तो इसके लिए भी आप गेट इट जिल से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप मटेरियल है आपको मतलब किसी भी टेस्ट को देने से पहले आपको मटेरियल मस्ट है कि आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और अगर आप मटेरियल बाय नहीं करते हैं तो आप हमारी www.freeedsil.com वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस मटेरियल जो कि हमने फ्री में डाल रखा है, आप इसको देखकर हमारे मटेरियल की क्वालिटी को देख सकते हैं कि हम कितने अच्छे क्वेश्चंस डिज़ाइन करते हैं। तो आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो प्रैक्टिस मटेरियल गेट सीएस प्रैक्टिस मटेरियल डाल रखा है इसमें आप जाके देख सकते हैं, बेसिक और एडवांस दोनों डाल रखा है। ये जो है हमारा पुराना मटेरियल होता है जो कि हम इस पर डालते हैं, तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अदरवाइज आप जो है बुकलेट्स बाय कर सकते हैं। उसके बाद में जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है वो होता है कि मैं डाउट कैसे पूछूं, हाउ कैन आई आस्क द डाउट। सिंपल, आप यू कैन आस्क योर डाउट इन द चैट सेक्शन ऑफ द टेस्ट सीरीज एंड यू कैन ऑल्सो क्वेश्चनिंग ड्यूरिंग द लाइव डिस्कशन ऑफ द टेस्ट पेपर। किसी भी टेस्ट पेपर जब हम देते हैं उसके बाद में उस टेस्ट पेपर का हमें लाइव डिस्कशन मिलता है, जो कि लाइव क्लासेस जो हैं इसी के अंदर आपको ये मिलेगा। जैसे कि जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनका डिस्कशन आप यहाँ देख सकते हैं। ये सारे डिस्कशन यहाँ आप देख सकते हैं जो कि ऑलरेडी अभी हो चुके हैं टेस्ट और उनके डिस्कशन हो चुके हैं। जब आप कोई टेस्ट देते हैं उसके बाद में टेस्ट आपको जो जो भी डेडलाइंस मिलती हैं या जो डेट जिस डेट पर आपको टेस्ट असाइन होता है उसके बाद में एक अनाउंसमेंट होता है, अनाउंसमेंट सेक्शन है ये। इस अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको ये पता लग जाता है कि इस टेस्ट का लाइव डिस्कशन कब होने वाला है। जब भी लाइव डिस्कशन होगा तो आप डाउट अपना पूछ सकते हैं, जब भी लाइव डिस्कशन होगा। और जो भी लाइव डिस्कशन होगा वो यहाँ पर आपको शो होगा, यहाँ पर ओवरव्यू में आप जब भी जाएंगे तो जब भी आपको अनाउंसमेंट मिला हुआ होगा उसके बाद में आपको यहाँ एक सेक्शन मिलेगा जिसमें कि आपको यहाँ शो हो रहा होगा कि अभी लाइव चल रहा है, तो आप उसमें भी आके डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपने वहाँ डाउट नहीं पूछ पाया तो आप यहाँ चैट सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर आपको एक बैच मिली होगी। जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ टेस्ट सीरीज 2024, टेस्ट सीरीज 2025, इस टाइप की आपको बैच मिली होगी। इस बैच में हम जब जाएंगे तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट अपने डाउट पूछ रहे हैं और उनको उनके रिप्लाई बहुत ही इंस्टेंट रिप्लाई आपको मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3:15 पे किसी स्टूडेंट ने डाउट पूछा है और उसको बहुत ही जल्दी 3:48 पे उसको रिप्लाई उसका मिल चुका है ये डाउट। और आप इसी पे आपको सारे जो भी आपसे डाउट्स हैं या फिर आप कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं वो सब कुछ आपको इसी पे मिलेगी। ऐसे ही आपको सारे बैचेस अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे यहाँ का कोई कोर्स बाय कर रखा है तो आप इन सभी सेक्शंस में आप देख सकते हो, किसी भी सेक्शन में आप जा सकते हो। अब DBMS का डाउट है तो DBMS में, जैसे कि यहाँ पर हमेशा मेंटर्स एक्टिव रहते हैं। देखिए आप, मेंटर्स हमेशा एक्टिव होते हैं जो कि आपके डाउट्स का रिप्लाई जब भी आप पूछते हैं उसका रिसेंट रिप्लाई आपको बहुत ही जल्दी मिल जाता है। उसके बाद में जो रिसेंट क्वेश्चन होता है, वेयर कैन आई एसेस द डिस्कशन वीडियोस, तो डिस्कशन वीडियोस के लिए मैंने आपको बता दिया है कि जो भी आप जैसे टेस्ट सीरीज में, हम टेस्ट सीरीज बैच में जाएंगे, टेस्ट सीरीज में बैच में जाने के बाद में जो लाइव क्लास वाला ऑप्शन होता है, जो सबसे ओल्ड लाइव डिस्कशन होगा वो सबसे नीचे शो होगा। और उसके बाद में जैसे यहाँ DM Test 1 जो है हमारा जो हुआ था उसके बाद में इसका डिस्कशन यहाँ पर है। उसके बाद में जो क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इफ आई मिस द डेडलाइन कैन आई टेक द टेस्ट लिस्ट। यस, इफ यू मिस द डेडलाइन द टेस्ट विल बी रीअसाइन विद इन 3 to 4 आवर्स। जब भी आपको टेस्ट मतलब हमारा जो टेस्ट होता है वो 1 वीक के लिए आपको लगता है, 1 वीक में आप उसको कभी भी दे सकते हैं। जैसे कि एक आपको अनाउंसमेंट में ये डिटेल प्रोवाइड की जाती है कि आपको कब से कब तक के लिए ये टेस्ट लगा हुआ है। वो टेस्ट की ड्यूरेशन जब ख़त्म हो जाती है तो तब वो टेस्ट क्लोज हो जाता है, और क्लोज 3 या 4 घंटे के लिए क्लोज होता है। उसके बाद में वो रीओपन हो जाता है और उसको आप फिर आपकी जब तक वैलिडिटी है तब तक आप उसको कभी भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट शुड आई डू इफ आई एम अनेबल टू सी एनी टेस्ट। आपको जब कोई टेस्ट नहीं दिख रहा है इसका मतलब है कि वो टेस्ट क्लोज है, तो प्लीज़ वेट फॉर द टेस्ट टू बी रीअसाइन। वैसे 3 से 4 घंटे के अंदर ये रीअसाइन हो जाता है। और अभी इसकी हम टाइमिंग भी डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइमिंग तक ये टेस्ट क्लोज रहते हैं, तो आप अगर उस टाइम पे अगर नहीं देख पा रहे हैं तो कृपया करके कुछ मतलब कुछ टाइम के लिए आप प्लीज़ वेट करें। फिर दूसरा जो क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी टाइम कैन आई टेक ईच टेस्ट। यू कैन अटेम्प्ट ईच टेस्ट ओनली वंस बट आफ्टर टेकिंग द टेस्ट यू कैन रिव्यू द क्वेश्चनिंग मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। फिर जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला था कि व्हाट आर द क्लोजिंग डेट्स फॉर द टेस्ट, जैसे कि हमने दो
टेस्ट ईयर दो 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 टेस्ट ये मैंने बारे में आपका बताया था, तो इनकी दोनों की जो टेस्ट क्लोजिंग डेट्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जो भी करंट ईयर के टेस्ट होते हैं, जैसे कि अभी हम लेटेस्ट की बात करें 2025 एग्जांपल के लिए, तो वो एवरी सैटरडे 9 बजे से लेके 9 एम टू 1 पीएम तक के लिए क्लोज होता है, उसके बाद में वो रीओपन हो जाता है। हम पास्ट ईयर्स की बात करें तो जो टेस्ट पेपर है वो हर मंथ जो लास्ट मंथ का सैटरडे होता है उसी मंथ में वो क्लोज होता है, ठीक है। और ये स्केड्यूल तब तक रहता है जब तक कि गेटेड जेल में राउंड टेस्ट स्टार्ट नहीं हो जाते हैं। व्हेन द राउंड पेपर स्टार्ट्स, करंट ईयर टेस्ट पेपर क्लोज एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे, एंड पास्ट ईयर टेस्ट पेपर क्लोज एवरी 10 डेज। यू विल रिसीव अ नोटिफिकेशन व्हेन द टेस्ट पेपर आर क्लोज्ड, ओके। और उसके बाद में सबसे मोस्ट, मतलब ये तो फ्रिक्वेंट क्वेश्चन होता है जब भी कोई टेस्ट सीरीज बाई करता है तो तब क्वेश्चन होता है, पर ठीक है हम यहाँ पर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड फॉर द टेस्ट? द टेस्ट आर वैलिड अंटिल अप्रैल। जब तक कि आपके ट्रिपल आई टी एच की एग्जाम नहीं हो जाती तब तक आपके लिए टेस्ट अवेलेबल होते हैं, और ये टेस्ट अवेलेबल आप कभी भी अंटिल अप्रैल तक आप कभी भी इनको दे सकते हैं। फिर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट शुड आई डू इफ आई रिसीव वार्निंग्स फॉर यूजिंग अ कैलकुलेटर आर स्विचिंग टैब्स ड्यूरिंग द टेस्ट? अवॉइड यूजिंग एनी एडिशनल कैलकुलेटर एंड डू नॉट स्विच टैब्स ड्यूरिंग द टेस्ट। यूज ओनली द पोर्टल कैलकुलेटर एंड एसेस द टेस्ट यूजिंग द क्रोम ब्राउजर ऑन द वेब पोर्टल। जब भी आप टेस्ट दें तो इंश्योर करें कि आप क्रोम ब्राउजर ही यूज कर रहे हैं, और जो कैलकुलेटर है वो जो पोर्टल पे दिया है आप उसी को यूज़ कर रहे हैं। आप एडिशनल कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो आपको जो वार्निंग्स है वो रिसीव होगी। उसके बाद में एक क्वेश्चन, ये कभी कभी ग्लिच के कारण होता है या फिर इंटरनेट नहीं हो पाता उसके कारण, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम डिस्कस करेंगे ये उसी के बेस्ड होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन होता है, व्हाट शुड आई डू इफ माय टेस्ट गेट सबमिटेड सडनली। कभी कभी क्या होता है कि आपका नेट बहुत स्लो होता है, उसके कारण जो सर्वर है उसको लगता है कि आप चीटिंग कर रहे हैं या फिर आप टैब स्विच कर रहे हैं, इसके कारण आपका टेस्ट क्या होता है सडनली सबमिट हो जाता है। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करें, बिफोर स्टार्टिंग द टेस्ट इंश्योर ए स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। If your test is submitted due to glitch, raise a query in the chat section. If a valid reason is found, we will reassign the test paper. Okay? And उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है, उसके बाद का क्वेश्चन भी बहुत ही मतलब रैंडम क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। मतलब इस क्वेश्चन को मैंने कई बार मैंने भी जवाब दिए है। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन होता है कि where can I find the syllabus and test dates? तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप गेटेड जेल की ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे कि यहाँ पर मैंने खोल रखी है, तो gatedjail.com www.gatedjail.com आप विजिट करें। उसके बाद में आप यहाँ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे जा सकते हैं। जैसे मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे गया, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे जैसे ही जाएंगे तो सबसे नीचे आप जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए हर टेस्ट का कितने उसमें टेस्ट होते हैं, कितने फुल टेस्ट होते हैं और कब होंगे उसकी डेट्स यहाँ मेंशन होती है प्रॉपर डेट्स के साथ में। अब जब नीचे आप जाएंगे देन आप पाएंगे कि हर टेस्ट का जो सिलेबस है वो यहाँ पर मेंशन है। देखिए आप हर टेस्ट का, जैसे डिस्क्रीट क्या, यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा उस टेस्ट में, इसका सिलेबस पूरा वेबसाइट के ऊपर मेंशनड है, ठीक है, पूरा मेंशनड है, आप देख सकते हैं। ये राउंड टेस्ट का शेड्यूल, बाकी जो टॉपिक टेस्ट होते हैं वो टेंटेटिव शेड्यूल ऊपर डला हुआ है, उसके बाद में ये राउंड टेस्ट का एग्जैक्ट शेड्यूल डला हुआ है। आप यहाँ से टेस्ट का शेड्यूल और उसका सिलेबस चेक कर सकते हो। फिर अगर आप वेबसाइट फ्रिक्वेंटली यूज, मतलब आप एक बार मान के चलो आपको बार बार दूसरी बार कि इसका क्या सिलेबस है तो बार बार वेबसाइट विजिट नहीं कर पाओ, तो आप यू कैन ऑल्सो फ्रिक्वेंटली चेक द अनाउंसमेंट सेक्शन वेयर वी अनाउंस द टेस्ट डेट एंड सिलेबस। वहाँ पर भी हम क्या होते हैं, टेस्ट का जो डेट्स होती हैं और जो सिलेबस होता है वहाँ हम डालते हैं बिफोर द। फिर लास्ट क्वेश्चन जो कि है इस डिस्कशन का, जो कि पूछा जाता है, हाउ कैन आई चेक माई रैंक, मतलब मेरी रैंक मुझे कब दिखेगी या फिर मेरी रैंक नहीं दिख रही है, मेरी रैंक मुझे कब दिखेगी या मैं अपनी रैंक कैसे चेक कर सकता हूँ। तो व्हेन द फर्स्ट डेडलाइन फॉर द टेस्ट पेपर क्लोजेस यू कैन सी योर रैंक, योर रैंक विल बी अपडेटेड आफ्टर ईच टेस्ट डेडलाइन विच इज व्हाई टेस्ट पेपर आर ओपन एंड क्लोज फ्रीक्वेंटली। हम इसमें लगभग सारे पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है और आप इससे आपको और भी कोई ऐसा डाउट जो कि छूट गया है मेरे से और आप उसका आपको आंसर नहीं मिला है, तो आप इसको टेस्ट सेक्शन अपने चैट सेक्शन में आप जाके पूछ सकते हैं, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी इसको डाल सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।